बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होगी। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मैंने आज हाथ भट्ट साहब का इसलिए पकड़ा है दोस्तों कि आज भट्ट साहब कबूतर नहीं उड़ा सके, मैंने पहले ही पकड़ लिया। आज ऐसे नहीं करना, आपने आज डायरेक्ट फूड रिव्यू करना है, बस मैंने इसलिए आज भट्ट साहब को रोका लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हमारे पास मौजूद है आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। बस आजकल आपको पता है मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो मुझे टाइम असल में ना बड़ा मैनेज करना पड़ता है, फिर फ्लाइट लो, फिर ये करो। ओ चल चल, चलो जाके इलाज कराओ। आज आ जाते हैं हमारी डील की तरफ। बिल्कुल, आज हमारी नॉर्मल कुजीन से हटकर हमने कुछ ऑर्डर किए, लाइटर साइड हमने इसके अंदर जो एड ऑन किया, और आज हमने ऑर्डर किए वो है डम्पलिंग्स, मतलब वो मोमोस टाइप। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और जो डम्पलिंग्स हमने ऑर्डर किए हैं ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमान भाई, तो बट साहब ये डम्पलिंग के अंदर क्या है, ये धमाका हुआ है, क्या हुआ ये? ये जी जरा दिखाएं, टर्न करके। थोड़ा तशद्दुद के साथ रैपिंग मिली है, बट हम इसको थोड़ा कवर करेंगे। और ये हमने मंगवाया है जनाब डम्पलिंग साइज पेनेट्री के नाम, पेंट्री यहाँ से हमने उसको ऑर्डर किया है, और ये होम शेफ है जनाब। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक रामेन बाउल है, इसमें के विद नूडल एंड बॉइल्ड एग है, जो कि हम उसको नकाब कुशाई भी कर देते हैं। बॉइल्ड एग नजर भी आ रहा है, ओ जबरदस्त। अच्छा, ये जो एक कुजीन है ये एक चाइनीज कुजीन है, ओरिजिनेटेड वहां से है, नेपाल और इंडिया से होता हुआ डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अब अवेलेबिलिटी इसकी मुमकिन बन चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं खा रहा हूँ तो भट्ट साहब ये आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, आप घबराए नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक आ जाता है ये चिकन डम्पलिंग्स है, ठीक है, और ये है जनाब बीफ डम्पलिंग्स। चिकन और बीफ का भट्ट साहब ने मेरे लिए बड़ा खास ख्याल रखा है, दोनों मुझे भट्ट साहब ने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं, क्या बात है आपके सर जी। इसका टेक्सचर देखें, इसका जो डो है ये हमें सबसे पहले मनासीब साहब जो इसको ट्राई करेंगे। मैं इसको ट्राई करता हूँ, भट्ट साहब ने इतने प्यार से मेरे लिए ये मंगाया डम्पलिंग, अब देखते हैं भट्ट साहब इसमें क्या धमाका करके मुझे। भट्ट साहब दो ले लूँ, मसला तो नहीं है, खैर है, मसला नहीं है, टीम भी अपनी है, मेम्बर्स भी अपने हैं। ये भी लीजिए, ये देखिए जो एक समोसा फॉर्म होता है ना जी, ये वैसे है, और ये सॉफ्ट डो होता है, ये स्टीम पे बनाया जाता है, और इसमें कोई भी, ये थोड़ा सा शेलो फ्राइड है जो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भट्ट साहब ने इतनी तारीफ की, ऐसा बनता है वैसा बनता है, अभी कैसे बनता है ये मैं आपको खा के बता दूँ। अच्छा, ये इसका डिपिन है जो कि एक स्पेशल सॉस है, उसके साथ इसको हम ट्राई करेंगे। ये आप पूरा इसमें आपने ऐसे ट्राई कर लिया, भाई डिप करें इसके, और बाय गॉड मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है भट्ट साहब, ये अगर ये जैसा बता रहे ना, ये भी इतना लाइट है कि इसको अब बस आप खाए जाए भट्ट साहब को नहीं दे, ये ज्यादा नहीं है भट्ट साहब, कभी कभी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चले मैं मेरी मेंबर के लिए एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये मैं सबसे पहले ट्राई करने जा रहा हूँ, आपको ये कैसा लगा ये ट्राई किया कौन सा? ये मैं इसको जरा एक दफा और ट्राई कर लूं जनाब, ये सॉस के साथ भी ट्राई करें ना जो मैंने आपको डिपेंड किया, जो सॉस इसकी स्पेशलिटी है। सॉस है कैसा पहले ये देखते हैं, बट सर ये ऑयली टाइप सॉस है इसका क्या है? जी आप इसका जो टेक्सचर है उसको डिप करके बरसात पता चलेगा कि इसके अंदर बरसात जैसा होता है, अचारी फॉर्म में इसका एक टेक्सचर होता है, इसमें रेड चिल्ली वगैरह भी नजर आ रहा है भट्ट साहब, ये इसके अंदर जीरा है, और ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ट्राई करता हूँ, सॉस के साथ भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, सॉस मतलब भी है इसमें, थोड़ा खट्टा है और थोड़ा स्पाइसी है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, इसमें लाल मिर्ची भी मुझे नजर आ रही है, बट बहुत जबरदस्त है, फुली स्टीम है पूरा, मतलब इसके अंदर जो गोश्त है जो इसके अंदर कोटिंग हुई हुई वो प्रॉपरली कुक्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको कच्चा लग रहा है कुछ लगा, ऑनेस्टली बताऊं बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। ये देखिए भट्ट साहब ये बीफ है ना, ये आप कहें और आप बताए ना, मुझे तो जबरदस्त इतना लग रहा है कि मुझे लगी मुझे फील नहीं हो रहा है चिकन है या बीफ है।
बेहतरीन, बहुत मजा का। ये देखिए ऑयली टेक्सचर, देखिए सॉस में कुछ डिफरेंट है, सॉस डिफरेंट है, थोड़ा सा ऑयली है। मेरे लिए ये सिंगल मतलब ये अब अगर डिप करके खाएंगे ज्यादा मजा करेगा आपको। ये देखिए मैं ट्राई करता हूं, आप ट्राई करें जब तक मेरी नाज़िम को थोड़ा इसका टेक्सचर दिखाऊं। ये जो राउंड वाला है ये बीफ है, जो पहले आपने कहा है वो चिकन है, बिल्कुल सही। और ये जो है बीफ है, ये देखें इसके अंदर मीट बॉल्स है जो इसकी फिलिंग की गई है। इसके अलावा ये आपको जो रेड चिली है वो भी नज़र आ रही है ऊपर, जो कि एक टेक्सचर को एनहांस करने के लिए इसमें मौजूद है। आप यकीन करें बहुत सॉफ्ट है, ऐसी जैसे मलाई, बिल्कुल मलाई, बिल्कुल मलाई। आप यकीन करें इतना मजे का है, इतना मजे का है कि आपको जब मैं प्राइस बताऊंगा ना, आप कहेंगे कि जनाब इतने इकोनॉमिकल प्राइस में और इतने मजे के और इतने हाइजीन, यकीन करें सॉस तो बहुत ही मजे का। आपको कैसा लगा सॉस? ये मुझे सॉस के अलावा व्हाट्सएप ज्यादा टेस्टी लगा है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे एक जबरदस्त बाइट ये इस पे रखे और ये अल्लाह खैर करे यार, व्हाट्सएप इसकी बारी आनी है, बुला रहा है। अच्छा ये जो है विद नूडल्स है, तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको भी ट्राई करें। व्हाट्सएप इसने नूडल्स है प्यार से दे रहे हैं तो ट्राई करते हैं इसको। ये जंग वंग लग गई है इनकी आपस में, जंग लग गई है और ये जंग आपने ही छुड़ा दी है। बिल्कुल मैं छुड़ा लूंगा, पहले इसको ऐसे सिंपल व्हाट्सएप में ट्राई करने लगा हूँ विदाउट नूडल्स। नाज़रीन को अपने बताते हैं कि ये हमारे कैमरामैन भी बहुत शरारती हैं, ये मेरी प्लेट पे ज्यादा फोकस रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि जो हमारे साथी हैं उनकी प्लेट्स पे भी नजारा करवाए। जनाब ये देखें, ये देखें नूडल खुद जबरदस्त व्हाट्सएप, ये मुझे लग रहा है व्हाट्सएप उन दोनों से अच्छा है। सच में, सच में रियली। आप ये देखें, आपको ये जो अंदर की फीलिंग है वो नजर आ रहा है, ये प्रॉपर तरीके से अंदर इसकी एक मैरिनेशन है वेजिटेबल के साथ, ऊपर ग्रीन अनियन की टॉपिंग है और साथ में जो है वो ग्रीन चिली मौजूद है। मैं पहले इसको ऐसे ट्राई करूंगा, आप इसको स्पून के साथ ट्राई कर रहे हैं। ये देखें नूडल्स अगर मतलब सिंपल ट्राई करो व्हाट्सएप, थोड़े से ये स्पाइसी है लेकिन जबरदस्त है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। आप जैसे तेज ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है व्हाट्सएप, लेकिन मुझे भी ये कमाल का लगा। जनाब मैं तो फैन हो गया, मतलब एक चीज समझ में नहीं आई, अंडे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बॉइल्ड। ये बेसिकली चाइनीज कुजीन है, तो चाइनीज कुजीन के अंदर बॉइल्ड चीजें आपको पता है कि ज्यादा खाई जाती है इंस्टेड ऑफ फ्राइड और इन चीजों को, तो वो एक कॉम्बिनेशन है, ये इनकी अपना एक कॉम्बो मील है जो रेमेन बाउल का नाम इन्होंने दिया है, जिसके अंदर नूडल्स एक, इसके अलावा जो डम्पलिंग्स है और बॉइल्ड एग भी है। तो चाइनीज लाइक इतना कोई खास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा तो अंडा ये मतलब आप रख दे अंदर बच्चा, मेरे अंडा में आप ट्राई करो ना, अंडा में अगर हमारी टीम में शामिल है तो बताना कि प्रॉपर्ली बॉइल्ड है नहीं है, वो नजर आ रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए अंदर से बॉइल्ड है, ये अंडा भी भागे जा रहा है बट साहब की बात मान रहा है, पता नहीं क्या है बट साहब मुर्गी को जान में जा, बॉइल है या फुल बॉइल है ये बट साहब, मुझे तो लग रहा है हाफ बॉइल्ड, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा टेक्सचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बॉइल है, लेकिन चलेगा बट साहब मैं एडजस्ट कर लूंगा मसला नहीं। नहीं अगर आप इसको फुल बॉइल करें ज्यादा ओवर बॉइल कर लें उसकी जर्दी वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि इसके प्रोटीन जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर जो परफेक्ट बॉइल एग होता है वो है, बिल्कुल, और ये है भी बहुत परफेक्ट जबरदस्त है। आप यकीन करें ये सॉस बहुत मजे का, बट साहब को सॉस बहुत अच्छा लगा और मुझे इनके ये डम्पलिंग बहुत जबरदस्त लगे, डम्पलिंग भी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सॉस से ज्यादा बट साहब वो डम्पलिंग पता नहीं जिसने पसंद क्यों नहीं आ रहा है, सॉस ज्यादा पसंद आ रहा है बसर, ये आपके फ्लेवर को एनहांस कर रहा है। बट साहब ने सॉस कितनी तारीफ की, मैं भी जरा इसको ट्राई कर लेता हूँ, ऐसा ना बट साहब नाराज हो जाए। इसमें जो विनेगर ऐड हुआ है
और जो बैलेंस फ्लेवर है मसाले स्पाइसी से बहुत मजे का है। बहुत प्राइस की तरफ आ जाते हैं। प्राइस मैं आपको बता दूं, ये जो बीफ डंपलिंग्स है जो कि ये वाले हैं, इसकी प्राइस है 530 रुपीज। इसके साथ एक डिपिन है जो दिया गया है। इसके अलावा चिकन डंपलिंग्स है, इसकी प्राइस है 570 रुपीज। इसके साथ भी एक डिपिन दिया गया है। डिपिन तीनों जो है वो सेम है। इसकी जो प्राइस है हाँ वो है 1030 रुपीज, लेकिन इसमें डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो है 945 रुपीज। मैंने इससे पहले मोमोज खाई है, डंपलिंग का एक्सपीरियंस मेरा पहला है, बट ऑनेस्ट के जो मैंने डंपलिंग्स खाए हैं इससे पहले मैंने ऐसे डंपलिंग्स नहीं लेकिन अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत हाइजीन और बहुत प्रॉपर मैरिनेटेड है। हम अपने नाज़रीन को अगर कहें कि आप इसको ऑर्डर करें और आप इसको मंगवाएं तो आपके पैसे जाया नहीं होंगे। आप कर दो ऑर्डर भाई, फौरन कर दें। Recommended है, highly recommended, highly recommended. आज के लिए इतना ही। काकर की टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने की बात, अल्लाह ने की बात।